साथियों, इस कार्यक्रम से इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आप याद कीजिए, 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी? किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है, और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचौलियों के खाते में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मझले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। 90,000 से कम, यानी तब पूरे देश के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ उसका लगभग 3 गुना हम सिर्फ एक स्कीम यानी पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। साथियों, दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों, केमिकल्स का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसकी भी गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है। आज किसान को यूरिया बैग, एक बैग का करीब करीब 270 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है। यही बैग बांग्लादेश में 720 रुपये में, पाकिस्तान में 800 रुपये में, चीन में 2,100 रुपये में, और भाइयों बहनों, अमेरिका जैसे विकसित देश में इतना ही यूरिया 3,000 रुपये से अधिक में किसानों को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके गले बात उतर रही है। जब तक ये फर्क समझेंगे नहीं हम, आखिरकार गारंटी क्या होती है किसान के जीवन को बदलने के लिए, कितना महाभगीरथ प्रयास जरूरी है, इसके इसमें दर्शन होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो बीते 9 वर्षों में सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, सिर्फ सब्सिडी फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं, भाजपा सरकार ने 10 लाख करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए हैं।
इससे बड़ी गारंटी क्या होती है भाई। साथियों, किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले, इसे लेकर हमारी सरकार शुरू से बहुत गंभीर रही है। पिछले 9 साल में एमएसपी को बढ़ाकर, एमएसपी पर खरीदकर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिए गए हैं। यानी हिसाब लगाए तो हर वर्ष केंद्र सरकार आज 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है, जिसका मतलब है कि प्रति वर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50,000 रुपये किसी न किसी रूप में उसे पहुंचा रही है। यानी भाजपा सरकार में किसानों को अलग अलग तरह से हर साल 50,000 रुपया मिलने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। और मैं जो किया है वो बता रहा हूं, वादे नहीं बता रहा हूं। साथियों, किसान हितैषी अप्रोच को जारी रखते हुए कुछ दिन पहले एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया है। यही नहीं, गन्ना किसानों के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों को और चीनी मिलों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ होगा।